कि इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई जानने के बाद आपकी होश उड़ जाएंगे। दरअसल बात है 1955 की, जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से फ्लाइट नंबर 914 मायामी के लिए उड़ान भरता है। ये प्लेन जब आसमान में उड़ रहा होता है तो 1.5 घंटे बाद ये रडार सिस्टम से गायब हो जाता है। उसके बाद अमेरिका की कई एजेंसी कई सालों तक समंदर से लेकर हर जगह पर इस प्लेन की इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन अमेरिका को रत्ती भर इस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन यही प्लेन 35 साल बाद 2 मार्च 1985 को वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। अब इस प्लेन का पायलट वहां के ट्रैफिक इंस्पेक्टर से पूछता है कि अभी कौन सा साल चल रहा है। वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर इस प्लेन के पायलट को बताता है कि अभी 1985 चल रहा है। ये सुनने के बाद पायलट के होश उड़ गए और उसने अपना प्लेन भी उड़ा दिया और प्लेन आसमान में पहुंचा और वहां से ये फिर गायब हो गया। आज तक इस प्लेन का कोई पता नहीं चला और अमेरिका की एजेंसी आज भी इस प्लेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है।